अभी बज रहा है सुबह के 8, मेरी डॉटर स्कूल जा चुकी है। तो ये पूरा बिखरा पड़ा था, ये मेरी डॉटर का वार्डरोब है, मतलब इसमें सारा कपड़ा नहीं रहता है, और भी कपड़े हैं उसके डेली वेयर का। तो ये पूरा बिखरा पड़ा था, मैं ये अरेंज कर दी। आज मैं सो ही नहीं हूँ, नहीं तो मेरी डॉटर स्कूल चली जाती है, टिफ़िन बना के देने के बाद मैं सो जाती हूँ। लेकिन आज मेरा बहुत सारा काम है, मैं वो क्लियर करूँगी। पहला ये मेरा वार्डरोब अरेंज हो गया है, और बाकी मेरा बहुत सारा काम है। कल बहुत सारा सामान मैंने निकाला था पलंग के नीचे से, मतलब मेरे बेड के अंदर से बहुत सारा सामान है, वो भी मुझे सब बहुत, मतलब सब बहुत अच्छा अच्छा सामान है, लेकिन रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जितना कोई ज़रूरतमंद है मैं दे दूँगी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं आपको कुछ कुछ अपना सामान दिखाती हूँ, मैं सब सामान नहीं दिखाऊँगी, बहुत सारा सामान मैंने निकाला, मैं कुछ कुछ दिखाती हूँ, और सब कुछ बिल्कुल भी न्यू है, आप देख सकते हो। ये सब मेरे और भी बहुत सारे टेडी बियर मैंने दे दिए, और भी है, ये सब न्यू टेडी बियर। तो ये सब न्यू टेडी बियर है, देखिए ये सब न्यू है। इसमें एक टेडी बियर है, ये भी न्यू है। बहुत सारा टिफ़िन बैग है, वाटर बॉटल है, ये सब न्यू है, ये सब न्यू है। और क्या है, और यहाँ पे कितना सारा बैग है, मतलब न्यू बैग है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। तो ये सब न्यू बैग है, आप देख सकते हो, एकदम सब न्यू, एक बार भी यूज़ नहीं किया। और ये रखा मैं साड़ी, पहले मैं कभी कभी साड़ी पहनती थी, तो ये साड़ी मैंने एक ही बार अपने बर्थडे में पहना है। ये साड़ी भी मैं किसी को दे दूँगी, एकदम जॉर्जेट का साड़ी है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। और ये तो फुल वर्क वाला साड़ी है, ये पूरा आप देख सकते हैं, सब पूरा वर्क है ये साड़ी में। ये भी मैं किसी को दे दूँगी। और दो साड़ी है, और दो तीन साड़ी, मैं आपको सब तो एक के साथ नहीं दिखा सकती हूँ। तो इतना सारा सामान है, अभी बेड के नीचे भी बहुत सारा सामान है, देख सकती है। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जो जरूरत मैंने। और मैं आपको क्या दिखाऊँ, कितना सारा सामान पड़ा है, सब कुछ, मतलब एक से दो बार मैंने यूज़ किया है। तो ये साड़ी मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को दे दूँगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सोबर सा साड़ी है। और ये साड़ी कलर सब उसके बर्थडे वगैरह में मिला था, सब उसके बर्थडे में क्या क्या होते रहता था पहले, फंक्शन बहुत सारा, वो सब में मिला था। और भी मैं अगर निकालूंगी तो सब दिखाऊंगी आप लोगों को। और देख सकते हैं यहाँ भी इतना सारा सामान है, और बेड के नीचे भी बहुत सारा सामान है, यहाँ इतना सामान है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर लिया है, अभी मैंने अपना नाश्ता लेके बैठा है। ये होममेड नहारी है जो मेरी मदर इन लॉ ने घर पे बनाया, जो कि वो मटन नहारी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये चाय, ये मैंने पूरी ले लिया है। तो ये मैंने जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, और डस्टिंग वगैरह सब क्लियर हो गया। इसके बाद मेरा जो बेडशीट वगैरह चेंज करना है, वो सब मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड सो करे, और सो के आग बंद में वो मुझसे पूछ रहे हैं नाश्ता कितना टाइम हो रहा, वो बेडी से मुझसे पूछते रहते हैं कितना टाइम हो रहा। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं आग बंद करके? गुड मॉर्निंग, और सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब आप सब अच्छे होंगे, और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को आज जुम्मे का दिन है, आज जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। तो सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपसे मिल सकूँ, मतलब ऐसे जो हुआ शूट कर लिया, बस अपना इंट्रो ने शूट किया, तो अभी मुझे वक्त मिला कि मैं आप लोगों से बात करूँ। बस अभी जस्ट मैं जहर का नमाज नहा धो के उठी हूँ, जहर का नमाज पढ़ी हूँ। नमाज पढ़ने के बाद अभी सब मुझे पढ़ा है, सूरह कैफ़ और यासिन वगैरह पढ़ना है। उसके बाद बस आज दिखाती हूँ, मैंने सब बेडशीट वगैरह चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज किया है आज, और मैं दिखाती हूँ मैंने आज क्या वेयर किया है। तो मैंने आज ये वेयर किया था, ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया, और पूरा मेरे बेडशीट के साथ मैच हो रहा है। तो अभी मैं सूरह वगैरह पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तो हाँ गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ बात करना था, तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं पहले बात कर लूँ। तो गाइस देखिए, मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत जल्दी मेरा बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बट मेरा वॉच टाइम जो 4000 का ये प्रोटोकॉल है यूट्यूब का, कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम, तो मेरा व्यूज़ उस तरीके का नहीं आ रहा है। और जो भी व्यूज़ आ रहा है, तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखिए। उस वॉच टाइम ना वो काउंट होता है। ऐसे तो मेरा वॉच टाइम हो चुका है, बट वो जो शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। तो इसी वजह से मेरा व्यूज़ तो वैसे तो एक मेरा मतलब शॉर्ट्स, उसमें 1 मिलियन व्यूज़ होने वाला है। एक शॉर्ट्स और है जिसमें 9K व्यूज़ होने, मतलब 9 लाख व्यूज़ होने वाला है। बट वो सब वॉच टाइम काउंट नहीं होता। काउंट जो होता है वो क्या होता है, वो लॉन्ग वीडियो का वॉच टाइम काउंट होता है। तो बस मेरा तो एक तो मेरा हो चुका है सब्सक्राइबर, मेरा 2500 सब्सक्राइबर हो चुका है, बस एक बाकी वॉच टाइम। गाइज आप लोग मेरा वीडियो बहुत मतलब जितना हो सकता है शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तो मैं भी जो मेहनत करूँ मुझे मोटिवेट मिलेगा। और मुझे मतलब वीडियो बनाने का मतलब इतना मेहनत से एडिट करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, शूट करती हूँ वक्त निकाल के, बट वैसा व्यूज़ नहीं आता है तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। बस एक चीज़ का हो जाए, वॉच टाइम मेरा 4000 हो जाए, तो उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मुझे और भी मतलब मैं मोटिवेशनल फील करूँगी और मुझे वीडियो बना। ऐसे भी मैं वो कभी भी हो, मुझे तो इतना उम्मीद है कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा, लेकिन बस हो जाता तो अच्छा हो। बस आप लोग का सपोर्ट की मुझे दरकार है, यही मुझे बोलना था। तो मिलती हूँ मेरा इसमें कुछ देर में। तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी कुरान खानी में, तो मैंने आके देखा सब लोग ने पढ़ना शुरू कर दिया था। असर बाद आने का टाइम था, बट मुझे थोड़ा आते आते टाइम लग गया था। तो गाइस मैं अपनी मम्मी के घर में आई हूँ, तो मेरी मम्मी और मेरा पापा रोजा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अफ्तारी रखा हुआ है। आप लोग सोचेंगे कि किस चीज़ का रोज़ा है, तो बस उन लोग ये नफिल रोज़ा वालों किसी चीज़ के लिए मांगे थे, तो उसी का रोज़ा है। ये अल्लाह का नाम में रखा है, अल्लाह राजी हो जाए बस। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस ऐसे कैमरा उठा के बस घुमा रही थी, अपने मम्मी पापा को दिखा रही थी। यहाँ पे मैंने मतलब बैठी थी, तो कुछ समझ में ऐसी मैं फ़नी मोमेंट कर। तो गाइस जो मेरी मामी ने कुरान खानी दिया था, तो उन्हें ये नाश्ता दिया है। चिकन है, पराठा है, लड्डू है और एक बॉयल है, तो यही नाश्ता है। तो चलिए आप लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए। तो गाइस मैं आई थी, आपको जैसे पता है कि मैं कुरान खानी में आई थी, क्योंकि कुरान खानी हो गया तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा रोज़ा था, तो मैं रोज़ा खोलने आ गई, तो मैंने एक ही पारा पढ़ा। तो अभी बज रहा है 6:30 बजे तक मैं घर चले जाऊँगी, क्योंकि मेरी डॉटर का ट्यूशन है और ट्यूशन में एब्सेंट करा नहीं सकती, क्योंकि इससे एग्ज़ाम चल रहा है। अगर उसका ट्यूशन नहीं रहता मैं थोड़ी देर वेट करती। तो ये मेरी मम्मी बैठी है, और इसे तो आप मेरा बहुत ब्लॉग में देख चुके हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत शूट करूँगी, बट सब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, तो कुरान खानी का मैं क्या शूट करूँ, तो मैं ज़्यादा शूट कर भी नहीं पाई। जो है जैसा भी आप लोग देख लीजिए, और आगे अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आ चुके हैं, आप देख सकते हैं जोया को, वहाँ मैंने बोला बहुत कुछ खाने बट वो नहीं खाए, तो अभी क्या खा रही है मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या खा रही है। तो उसे मैंने सुबह दिया था टिफिन में व्हाइट सॉस पास्ता बना के, वही बचा वो खा रही है, देखिए वही वो खा रही है। और मेरे घर में अभी सफाई चल रहा है, सफाई मतलब क्या, ठंडे के कपड़े निकल रहा है और गर्मी के को कपड़ा ऊपर जा रहा है। देखिए आप, देखिए गाइस, देखिए देखिए पूरा बिखरा पड़ा है घर, पूरा पूरा का पूरा घर बिखरा पड़ा है। ये सब काम अभी हो रहा है, ये सब काम देखिए हो रहा है, बट मेरे रूम साफ है, सब कुछ देख सकती है। बाहर से आपका कुछ नहीं दिखाई दे रहा, रूम में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ वही वाला हम लोग का है, वही वाला है, वही वाला है, हाँ वही वाला। बहुत सस्ता ले रहा बाजी, उस टाइम में हम लोग 5-5 हज़ार का एक फूल लगाया था। स्लाइडिंग का भी दाम है, कहाँ पर से खुला सर, सस्ता ले रहा दरवाजा उधर ही। पूरा घर रंग किया, मम्मा के लिए रंग ला के बाजी दी थी। तो गाइस
मैं जा रही हूँ अभी ईशा का नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद तो और तो अभी फ़िलहाल कुछ करने को है नहीं, तो अभी टाइम हो चुका है, मैं ईशा का नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। और तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आए। तो पसंद आए तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय।